सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के, जो कि आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, जो भी एग्ज़ाम आपका है, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर एयरफोर्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, और उसके बाद बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहे। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सौर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? अब हमें बताना है कि समानता है, यानी कि कौन सी एक सेम थिंग है, सेम चीज़ है जो कि दोनों मंदिरों में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, दोनों ही नागर वास्तुकला के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा है, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। तीसरा है, दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं। और चौथा है, दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में निर्मित किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। मंदिरों में यही समानता है कि दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन अभी इंडियन नेवी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा का स्थल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, या फिर अवस्थित है, जो भी बोला जाए। आगे बढ़ते हैं हम। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मतलब किस यूरोपियन ने आर्यों को एक जाति कहा था? यहाँ पे ऑप्शंस है, सर विलियम जोन्स, बी है H.H. विल्सन, मैक्स मुलर, जनरल कन्निघम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैक्स मुलर ने बोला था कि आर्य एक जाति है। ठीक है, आर्यों को एक जाति मैक्स मुलर ने बोला था, ये एक यूरोपियन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है, टेराकोटा, कांसा, तांबा और लोहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टेराकोटा जो है इसी द्रव्य का प्रयोग किया था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेद शब्द का अर्थ है, दोस्तों वेद का अर्थ क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन। और ऑप्शन है, ज्ञान, बुद्धिमता, कुशलता, शक्ति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ज्ञान। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, जो हमारा वेद होता है उसका अर्थ ही होता है, इस शब्द का ही अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? ठीक है, यहाँ पे कौन सा जो है, यहाँ पे चार दिए गए हैं, चार पांच ऑप्शन, वो हमें बताना है कि कौन सा लक्षण जो है वो ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? पहला है कि ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जाता जा सकता है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएँ हैं। उसके बाद है, वैदिक यज्ञ पुरोहित जिसे यजमान कहा जाता था के घर में किए जाते थे। और चौथा है, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए, ठीक है, जिनके लिए, अब यहीं तक है। उसके बाद हम जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर चार, यानी ऑप्शन जो डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, नीचे हम आते हैं, यहाँ पे कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, यहाँ पे कोड दिया गया है। ठीक है, कोड के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। कोड के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक, दो और चार। यहाँ पे देख लेते हैं हम, एक, दो और चार। देखिए, एक यहाँ पे हो गया ऋग्वेद के अनुसार, ये है सही, और एक ये जो है कमेंट बोला जा सकता है, पार्टिकुलर वाक जो है ये सही है, मतलब एक, दो और चार नंबर सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने बता दिया। देवी माता की पूजा संबंधित थी, ऑप्शंस हैं, आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी। आगे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन सामने है आपके, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऋग्वेद से लिया गया था गायत्री मंत्र को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, जई, राई, गेहूं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जौ जो है, जौ वो सबसे पहले मनुष्यों द्वारा
उपयोग किया गया था जौ को, ठीक है, जौ आप लोगों को जरूर पता होगा। आगे बढ़ते हम 10 नंबर की तरफ, बोरोबुदीर किसका स्थल है? ऑप्शन है जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप, तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल और गुजरात में एक जैन मठ। बोरोबुदूर किसका स्थल है ये हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जावा में 8वीं शताब्दी में निर्मित एक बृहद स्तूप है बोरोबुदूर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन 4 सामने हैं आपके और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंडोकोपनिषद से ये लिया गया है, ठीक है, मुंडोकोपनिषद से लिया गया है जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है, ठीक है। आगे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा जो था सबसे पहला सबसे पुराना शहर है भारत में ढूंढा गया, ठीक है। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण रवि कीर्ति को प्राप्त था। ये एक जैन थे और इन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? अब देखिए यहाँ पे भी कोड दिया गया है, पहले हम पढ़ लेते हैं ये 4 ऑप्शंस को और उसके बाद कोड को देखेंगे। पहला है दुनिया दुखों से भरी है, ये बौद्ध धर्म के मतों को यहाँ पे दर्शाया गया है। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाए, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। ये है, अब हम देखते हैं सही क्या होगा। यहाँ पे 4 कोड हैं और इसमें से जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1, 2 और 3। 1, 2 क्या है, दुनिया दुखों से भरी है, दूसरा है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और उसके बाद है जो 3 नंबर, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यही है बौद्ध धर्म के मत, ठीक है, विश्वास करता है इन मतों पे। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या थे? अग्रहार किसे बोला जाता था या फिर क्या थे? ऑप्शन सामने हैं आपके, ब्राह्मणों को आयुक्त गांव या भूमि का नाम, अगर के फूलों की माला, अधिकारियों और सैनिकों को भूमि अनुदान, और डी है वैश्य कृषिकों द्वारा बसाया हुआ गांव या भूमि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्राह्मणों को आयुक्त गांव या भूमि का नाम, ठीक है, ये ही अग्रहर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर की तरफ, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? यहाँ पे ऑप्शन है अमलानंद घोष, राखालदास बनर्जी, दयाराम सहनी और सन जॉन मार्शल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अमलानंद घोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने और मंगोलों ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यानी चीनियों ने ही कागज बनाने की कला को ढूंढा था, ठीक है, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में, ठीक है। आगे है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ठीक है, आगे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीगुप्त जो था वो प्रवर्तक था गुप्त वंश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों को जो साउंड है, आवाज़ है, वो अजीब लग रहा होगा क्योंकि तबीयत मेरा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, उसके लिए सॉरी, और मैं कैसे भी ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे है, आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया, कालावधि, समुदाय, अनुशासन और आश्रम। तो ये जो है 4 भाग, आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आश्रम हो जाएगा, ठीक है, आर्यों ने आश्रम के 4 भागों में विभाजित किया था मनुष्यों के जीवन को। आगे है, पतंजलि कौन था? पतंजलि को हमें बताना है, ये क्वेश्चन अभी एक्सिस में क्लियर कर दूं, नेवी के एग्जाम में, एमआर के एग्जाम में पूछा गया है कि पतंजलि कौन था, मतलब पतंजलि कौन था। ऑप्शन है, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी है आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, मध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक और पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकार।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकार को ही पाणिनि, सॉरी आपका पतंजलि कहा जाता है। ठीक है, तो यही है। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे दोस्तों, बाकी कल भी आप लोगों को मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। मेरा तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कैसे भी कोशिश करूँगा कल भी वीडियो डालने के लिए, और मैं डाल ही दूंगा, डालने की कोशिश किया। बाकी ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, मतलब मैं अभी दवा खा कर और फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना आप लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना यार, अगर अच्छा लगा हो तो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।